इलाहाबाद में अजय देवगन की फिल्म में निवेश करने के नाम पर करीब 200 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ितों की तरफ से इलाहाबाद में 5 लोगों के खिलाफ ठगी का केस दर्ज करवाया गया है। इन 5 लोगों में से एक नाम पूर्व मिस जम्मू रही अनारा गुप्ता का भी है। अनारा गुप्ता पर आरोप है कि उन्होंने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी खोलकर लोगों से करोड़ों रुपए की ठगी की है। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने ठगी में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अनारा और उसके साथी अभी भी फरार चल रहे हैं। डियर मीडिया वाले हैं एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, ये लोग जो है आम लोगों को झांसा देते थे कि हम लोग जो है फिल्म का निर्माण और प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसमें जो है बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स और अजय देवगन और ये सब एक्टर्स जो है हमारी फिल्म में काम करेंगे, आप भी रुपया लगाइए, आपको जो है इसमें हम लोग अगर 1 लाख रुपए लगाएंगे तो पर मंथ हम आपको कुछ पेमेंट करते रहेंगे 12 महीने 13 महीने तक। उसमें ओपी यादव अपने आप को जो है डायरेक्टर बता रहा था और एक शत्रुघ्न टी था, उसके अलावा एक सो कॉल्ड अनारा गुप्ता से भी उसने मुलाकात करवाई थी इन लोगों की, उसी में ये बात चली। उसके बाद में जब इन्होंने रुपया देना बंद कर दिया तो लोगों के द्वारा इसमें मुकदमा लिखवाया गया है। इसमें दोनों डायरेक्टर ओपी यादव और शत्रुघ्न टी की गिरफ्तारी हो गई है और बाकी कई मामले में जो अनारा गुप्ता जो है उसकी अभी तक विवेचना चल रही है। फिलहाल एसटीएफ ने आरोपी पूर्व मिस जम्मू अनारा गुप्ता के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। एसटीएफ ने देश भर के एयरपोर्ट को आदेश दिया है कि अगर अनारा गुप्ता या उसका कोई साथी एयरपोर्ट पर नजर आता है तो तुरंत उसकी गिरफ्तारी की जाए। इलाहाबाद से सैयद रजा, पंजाब केसरी टीवी। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।